दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंफर्म तत्काल टिकट अक्सर हमें क्यों नहीं मिलता है। हमारे हिस्से का कंफर्म टिकट जो है तत्काल कोटा में, वो जाता कहाँ है, किसके पास जाता है, लोग कैसे आखिर बुक करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दावे के साथ ये कहते हैं कि हम आपके लिए कंफर्म तत्काल टिकट 100% वो भी बुक करके देंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज ही सुबह मैं एक टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था और आज ही एक खबर मेरे हाथ लगी है जो मैं आज आपको इस एपिसोड में दिखाने वाला हूं दोनों ही चीजें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं अपनी बात बता देता हूं, आज जो मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली मुझे एक टिकट बुक करना था 3rd AC का। तो सुबह 10 बजे, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप बुकिंग कर सकते हो तत्काल कोटा में। तो ऐसे में जैसे ही सुबह 10 बजता है तो 10:01 के अंदर में, यानी कि 10:01 अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ 10 बजा है पूरा पूरी, इस दौरान मैंने लॉग इन कर लिया, स्टेशन सिलेक्ट किया, गाड़ी सिलेक्ट किया, कोटा सिलेक्ट किया, तारीख सिलेक्ट किया, क्लास, पैसेंजर डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, इन 1 मिनट के अंदर में सब कुछ मैं कर दिया। करने के बाद जब मेरे बैंक से पैसे कटने होते हैं तब मेरे सामने कुछ ये नजारा था, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। यानी कि ये जो है प्रोसेसिंग पेमेंट में आके फंस गया, यानी कि बैंक से पैसे कट चुके हैं, मैसेज आ चुका है मेरे पास, पैसे कट गए हैं, लेकिन IFDC के पास पैसे नहीं गए हैं या फिर जाने में देरी हो रहे हैं। तो इस चक्कर में ये जो है थोड़ा टाइम लग गया और टाइम लगभग 10:02 तक का, 1 मिनट तक ये तो प्रोसेसिंग पेमेंट में ही फंसा रहा। 10:02 तक मुझे जो है फाइनली मिला टिकट, आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्काल कोटा में 9 नंबर का वेट लिस्ट। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, 1 मिनट के अंदर जब सब कुछ डिटेल, मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:01 के अंदर, आप टाइम भी देख लो यहाँ पे, 10:01 से पहले ही मैंने सब कुछ डिटेल भर दिया है, भरने के बाद भी मेरा टिकट बुक नहीं होता है। तो यहाँ एक यात्री या फिर एक IRCTC का जो यूजर है उसका गलती कैसे हो सकता है? तो गलती किसका है? गलती ऐसे तमाम लोगों की जो इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया IRCTC ने साफ साफ कह दिया कि ये जो इलीगल सॉफ्टवेयर है इन पर हम जो है पूरी तरह से रोक लगा चुके हैं, ये इलीगल सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा इस खबर को, आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, आजमगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने एक जनसेवा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर यानी इलीगल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फर्जी ई टिकट बना रहा था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अंकित यादव है। पुलिस ने उसके पास से 21 फर्जी टिकट, एक लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर और 33,524 रुपए बरामद किए हैं। अंकित नाम का शख्स 3 पर्सनल आईडी का इस्तेमाल करके कुछ इलीगल सॉफ्टवेयर्स में इनको फीड करके उनके अंदर से ये टिकट बुक कर रहा था तत्काल कोटा में। यानी कि आप समझ ही सकते हो, आप लीगल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी देकर पेमेंट तक जाओगे तब तक ये जो सॉफ्टवेयर है सब कुछ कर चुका होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से सारी डिटेल भर दी जाती है। और यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, कई सारे गाड़ियों की भी डिटेल दी हुई रहती है। यानी कि एक गाड़ी में टिकट बुक नहीं हुआ तो ये झट से दूसरे गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि आप सोच ही रहे होंगे कि ये दूसरा गाड़ी को सिलेक्ट करके उसमें टिकट बुक कर चुका होगा। तो दोस्तों ये है, ये जो रैकेट है ये कुछ इस तरह से चलता है। ऐसे ही लोगों की वजह से हम यानी कि आम आदमी जो है वो अपना तत्काल टिकट जो कि 2-3 दिन लाइन में लगने के बाद भी उनको नहीं मिल पाता है। तो आप घर बैठे कैसे उम्मीद कर सकते हो? यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, कि भारतीय रेल को अपने IRCTC सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि ये जो इलीगल सॉफ्टवेयर है ये इनमें लूप होल्स न ढूंढ सके और इनका इलीगल यूज ना हो सके। फिलहाल मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये रेलवे की नजर में आ जाए और रेलवे को ये पता चल सके कि लोग अब चीजों को समझ रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत है। भाई आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपके साथ आपने कभी इन चीजों को फेस किया है। चलता हूं मैं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।